हेलो एवरीवन, जीत को टीवी यूट्यूब देखने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत को टीवी यूट्यूब। आज जो बात करने मैं आपसे जा रही हूँ वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, एंड बहुत ही दिनों से, जैसा कि ओवरसीज़ करियर एंड रिलेशनशिप एडवाइजिंग के हिसाब से जो केसेस मेरे सामने ज़्यादा आते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा केसेस जो मेरी ज़िंदगी में अब तक आए हैं और जो कि परेशान करने वाले हैं और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, आज मैं आपके साथ एक ऐसा ही टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि एक सपना होता है, हर एक इंसान का एक सपना होता है कि उनके बच्चे जो हैं या वो खुद जो नहीं कर सके ज़िंदगी में, तो उनके बच्चे वो सब कुछ हासिल करें, वो सभी बुलंदियाँ हासिल करें जो वो खुद नहीं कर पाए। और उसमें से एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि बच्चे बाहर जाकर सेटल हों। तो ये कोई ड्रीम ख़राब ड्रीम नहीं है, पर इस ड्रीम के हिसाब से जो केसेस सामने आते हैं, जो रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं, मैं वो रिज़ल्ट्स की आज बात करूंगी आपके सामने। कि दो केसेस मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं। एक तो वो केसेस की जो लोगों की इंडिया में मैरिज हो जाती है 25 ईयर्स से पहले, एंड मैरिज करने के बाद वो चाहे लड़कियां हैं या लड़के हैं, शादी करके बाहर चले जाते हैं ओवरसीज़ करियर के लिए, एंड किसी वजह से अपने फैमिलीज़ को अपने साथ नहीं ले जा सकते स्टार्टिंग में, या फिर जिनकी वो मैरिजेस जिनकी ज़्यादातर ऐसे ही मैरिज हुई है कि बाहर जाने का ही हिसाब से मैरिज होती है। क्योंकि जब हम मैरिज सेटल करते हैं तो उसमें लड़के वाले ज़्यादातर ये चीज़ देखते हैं कि हमें डाउरी कितनी मिल रही है, और दूसरी चीज़ एक सबसे ज़्यादा देखी जा रही है कि अगर लड़की के बैंड अच्छे हैं तो उस हिसाब से लड़का उसके साथ बाहर सेटल हो जाएगा। यहाँ पे मैं अभी बात करती हूँ एक ऐसे केस की जो कि अरेंज मैरिज है, एंड लड़की जो है MBBS डॉक्टर है, खूबसूरत पढ़ी हुई लड़की जो कि इंडिया में प्रैक्टिस कर रही थी, उसकी शादी पेरेंट्स ने UK के NRI के साथ कर दी, जो कि अपनी इंडियन रेजिडेंस इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल कर चुका है। तो ऐसे आदमी से शादी की एंड उसमें 3 करोड़ तक डाउरी भी दिया है उनको। एज ए ह्यूमन राइट का जो काउंसलिंग का जो मेरा काम है उस हिसाब से भी मैं ये केस बुक कर सकती हूँ, बट इंटरनल एटमोसफेयर और ज़्यादा ख़राब मैं नहीं करना चाहती क्योंकि ये रिश्तों को तोड़ देता है हमेशा के लिए। बट जहाँ पे रिश्ते दिल से जुड़ते ही नहीं, जहाँ पे रिश्ते सिर्फ पैसे को देख के जोड़े जाते हैं, जहाँ पे रिश्ते सिर्फ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए जोड़े जाते हैं, जहाँ पे इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता कि हमारा जो बच्चा है वो कैसे एटमॉस्फेयर में बड़ा हुआ है एंड हम उसे कैसे एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं। इंडिया का एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लड़की को बहुत ही प्रोटेक्टिव रखा जाता है, बहुत ही प्रोटेक्शन दिया जाता है, उसे हर चीज़ का प्रोटेक्शन दिया जाता है, एंड वो लड़की भी एजुकेटेड है, आज की लड़की भी एजुकेटेड है, माँ बाप हर एक जगह उसके साथ खड़े होते हैं, उसे इंडिविजुअली कोई फ्रीडम नहीं देते इंडिया में। और जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनकी शादियाँ हम बाहर कर देंगे, इंडिया का एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हेल्पिंग हैंड बहुत आराम से मिलता है, फैमिली ऐसी में लड़की का ग्रोथ होता है जहाँ पे माँ या बाकी अगर जॉइंट फैमिली नहीं है तो मदर सारा कुछ करती है घर का, एंड बाहर जब उसकी शादी हो जाती है तकरीबन 26-27 साल का जो लाइफ फर्स्ट लाइफ है जो इंडिया में लड़की गुजार के, NRI लड़का जो कि 10-12 साल से अब्रॉड रहा है, तो अब्रॉड का लाइफ एक ऐसा कंजर्व लाइफ है कि वहाँ पे आप किसी के टाइम के बिना बात भी नहीं कर सकते, कि बात करने के लिए भी टाइम नहीं होता तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स कैसे सुनी जाएंगी। और तुम अगर बीमार भी हो, तुम्हें कोई फीवर है या कोई और भी बीमारी है, तो उसके बावजूद तुम्हें काम करने जाना पड़ता है। ये बात इंडियन में जो ग्रो हुआ है वो नहीं समझ सकते, क्योंकि इंडियन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहाँ पे रिश्तेदार इतने ज़्यादा होते हैं, दोस्त इतने ज़्यादा होते हैं, जान पहचान के लोग इतने ज़्यादा होते हैं कि मुसीबत में, परेशानी में, तकलीफ़ में सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और यही चीज़ जो है बाहर जाके बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जहाँ पे कोई फीलिंग नहीं है, क्योंकि जहाँ पे टाइम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। क्या आपकी लड़की वो एटमॉस्फेयर में जहाँ उसकी बिल्कुल सुनवाई नहीं होगी, जहाँ पे कोई उसे समझने वाला नहीं होगा, जो उसका लाइफ पार्टनर 10-12 साल अपनी लाइफ के वो पीरियड वहाँ गुजार चुका है सेटल होने के लिए, और कितनी स्ट्रगल की है उसने,
इंडिया में रिकमेंडेशन होती हैं, अगर हमारे में पर्सनल कैपेबिलिटी नहीं है तो रिकमेंडेशन होती हैं, या फैमिली बैकग्राउंड की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इंडिया में भी आपका कैलिबर होना ज़रूरी है, बट बाहर बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत हार्डवर्क करके आपको एक पोजीशन मिलती है, 10 साल लगते हैं उसको, और वो जो 10 साल की घिसा पिटी वाली ज़िंदगी है उसमें आदमी मेंटली एक साइको टाइप की लाइफ जीने लगता है, जो कि इंडियन ट्रेडिशन से मैच नहीं करती। हाँ, वो फेक लाइफ एक इंडियन ट्रेडिशन होती है, जो कि हम फेस्टिवल में इंडियन कपड़े पहन लिए, या फिर दोस्तों से या रिश्तेदारों से मिलने आए, या इंडियन हॉलीडे में आए, तो वो हमें थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है। पर जब आप अपनी बेटी की शादी स्पेशली, या बेटे की भी शादी किसी NRI से कर रहे हैं जो बाहर पैदा हुए हैं, या जो 10-15 साल से ज़्यादा बाहर रह चुके हैं, उनके साथ आपके बच्चों की मेंटालिटी कभी मैच नहीं होगी, क्योंकि इमोशन जो इंडिया के साथ जुड़े हैं वो इमोशन वहाँ बाहर जाके ख़त्म हो जाते हैं। वो ख़त्म ऐसे हो जाते हैं कि उनको ख़त्म करने पड़ते हैं। वो एक प्रैक्टिकल एंड रूड लाइफ है, वो एक ऐसी लाइफ है जहाँ पे आप किसी दूसरे का इंटरफेरेंस नहीं चाहते। तो यहाँ पे वही मैं बात कहती हूँ कि जो केसेस मेरे पास सबसे ज़्यादा आए हैं, लड़कियाँ शादी करके बाहर चली गई और बाद में हस्बैंड्स को नहीं बुलाती, वो भी यही सिस्टम है कि वहाँ जाने के बाद वो एटमोसफेयर में जब वो जम जाती हैं, जब वो स्ट्रगल करने लगती हैं, तो उनकी मैच कहीं और होती है, या फिर वो शादी में बिलीव ही नहीं करती। तो ये केस बहुत ज़्यादा मेरे पास आते हैं हमेशा उस कंप्लेंट में कि शादी करके बाहर चली गई और हस्बैंड को नहीं बुला रही, या वो भूल जाती है, या वो कर लेती है, ऐसा कुछ नहीं होता, बस उनकी मेंटालिटी चेंज हो जाती है। और उस मेंटालिटी को मैच करने वाला पार्टनर लड़कियां चाहती हैं, और जो लड़के बाहर ग्रो करके 12-15 साल बाहर रह गया, वो लड़का एक इंडियन लड़की जो कि एक जोर से बोलने से भी रो पड़ती है, उसे डांटने से भी रोना आता है, इतनी इमोशनल लड़की जिसे फुल प्रोटेक्शन में रखा जाता है, वो ऐसे रफ एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकती। अब वो मेरी जो बात मैंने आपसे की कि लड़की डॉक्टर थी, वो डॉक्टर की शादी UK के NRI जिसकी खुद की IT कंपनी है UK में, वहाँ पर शादी हुई, और लड़की को इतना टॉर्चर लगा, वो अब वो लड़के से बात नहीं हुई मेरी, तो मैं यहाँ पे फुल नहीं बोल सकती, पर वो लड़की को इतना टॉर्चर लगा वो मैरिड लाइफ, कि 2017 में शादी हुई और 2019 में वो लड़की अपने भाई की शादी में इंडिया आई और उसे वापस नहीं लेके गए। बस यही हुआ कि जब वो लड़का पहली बार अपने इन-लॉज के घर में आया, तो लड़की कि बहुत सारी बुराइयां उसने की। वो बुराइयों का मतलब ये है कि लड़की का ट्रेडिशनल इंडियन ट्रेडिशन में पली बड़ी लड़की वहाँ के एटमॉस्फेयर में फिक्स नहीं हुई, जैसी वो सोचता था वो वैसी नहीं हुई। तो वो बात सुन के पेरेंट्स को भी बुरा लगा कि हमारी लड़की डॉक्टर है, हमने इतनी डॉरी दी है, और संस्कारी लड़की है तभी तो शादी करके कहीं और किसी के साथ अरेंज मैरिज करके गई है, तो हमारी लड़की में इतनी कमियाँ क्यों निकाल रहे हैं। तो फादर ने गुस्से में कहा कि चलो ठीक है, मेरी बेटी मेरे घर में आ गई, अब उसे मैं अपने ही घर में रखूंगा। सिर्फ इतनी सी बात से वो लड़के की ईगो हर्ट हो गई और वो उसे छोड़ के चला गया। छोड़ के जाने के बाद भी वो बात पूरी नहीं हुई, वहां जाने के बाद उसने लड़की से बिना पूछे हुए उसका वीज़ा कैंसिल करवा दिया, जो कि डिपेंडेंट वीज़ा होता है और ब्रिटिश पासपोर्ट कन्वर्जन के लिए टाइम होता है, पहले 2.5 ईयर का डिपेंडेंट वीज़ा मिलता है। तो वहाँ पे लड़की आने से पहले, क्योंकि उसने MBBS इंडिया में की थी, तो वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए उसको कुछ टेस्ट लिखने थे, वो टेस्ट लिखने के लिए भी एप्लीकेशन था, उसका डेट भी आने वाला था, सब कुछ लड़की से इमोशनली टॉर्चर करके लड़के ने कैंसिल करवाया, उसके बाद उसका वीज़ा कैंसिल करवा दिया। वीज़ा कैंसिल करवाने के बाद अब वो लड़की को ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्यों छोड़ दिया, कि चलो जो तुमने बुराई की सबके सामने, रिश्तेदारों के सामने, लड़की के फादर को बुरा लग गया, और उसके उस बात की वजह से वो पनिशमेंट लड़की को मिल गई, और वो लड़के और लड़की का कोई कांटेक्ट नहीं है, लड़की परेशान हो के घूम रही है, और रिश्तेदारों का डर ऐसा है कि वो लड़का इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल कर चुका है एंड UK में उस पर अब कौन सा केस करे और कैसे करे। इस बात के लिए लड़की परेशान है कि अब उसकी शादी की जो 1.5-2 साल का जो पीरियड था वो बहुत ही टॉर्चरिंग वाला पीरियड था, शादी होने, लड़की वहाँ पे किसी
तरह से क्लिनिकल जॉब कर रही थी और जो उसकी सैलरी आती थी, लड़का ऑटो, ये जो आजकल ऑनलाइन बैंकिंग है उस वजह से उसकी सारी सैलरी भी विड्रॉ कर लेता था। उसे फैमिली से, फ्रेंड से बातचीत करने की परमिशन नहीं थी। और वो लड़की अगर परेशान होकर अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे बात करती तो उस बात के लिए लड़के को बुरा लगता कि वो उसकी इंसल्ट कर रही है। पर वो इमोशंस जो लड़की फील कर रही थी, वहाँ उसे सुनने वाला कोई नहीं था। जब वो बातें लड़की की बुराई पेरेंट्स से की, तो जो लड़की के साथ हुआ वो भी लड़की ने बताया, तो माँ बाप को गुस्सा आ गया और वो रिश्ता ख़त्म हो गया। और यही बात मैं आपसे कहती हूँ कि आपकी काबिल लड़कियाँ क्या वो इंटरनेशनल एटमोसफेयर में फिक्स हो सकती हैं, फिजिकली और मेंटली और इमोशनली? मैं यही बात बार बार आपसे दोहराती हूँ और आपको ये बात बुरी लगती है। अब मुझे ये बताइए कि एक मेडिकल स्टूडेंट, नो नॉट स्टूडेंट, एक डॉक्टर, उसमें क्या कमी हो सकती है जिसके माँ बाप ने शादी में भी बहुत पैसा लगाया, जिसको डॉक्टर भी बनाया, वो लड़की की मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुई, रीज़न सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग मिलने का था कि जो सिस्टम में वो बड़ी हुई वो सिस्टम उसे आगे नहीं मिला। और जो लड़का इंडियन है बट वो सिस्टम भूल चुका है कि लड़कियां कैसे रहती हैं इंडिया में। इंडिया में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि वाइफ्स को बहुत ज़्यादा राइट्स हैं, बहुत ज़्यादा राइट्स हैं एंड बहुत ज़्यादा हक जमाती हैं, जो कि बाहर वाले लड़कों को पसंद नहीं होते। अगर बहुत ही अच्छी लड़की है तो भी वो वहाँ सेटल नहीं हो सकती, क्योंकि इमोशंस की कोई वैल्यू कहीं नहीं है। फिजिकली अगर आप फिट हो, इमोशनली अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो एंड आप बहुत ज़्यादा ब्लंट हो, तो आप बाहर सेटल हो सकते हैं आराम से। तो मेरी यहाँ पे सिर्फ इतनी ही सी गुजारिश है, आपसे ही एक क्वेश्चन है, क्या आपको ऐसा करना चाहिए? हाँ, जो लड़कियों के शौक हैं बाहर सेटल होने के, वो किसी भी हालात से लड़के सेटल हो सकती हैं, पर इमोशनल लड़कियाँ बाहर सेटल नहीं हो सकती, क्योंकि वो दुखी रहेंगी, अपने आप को टॉर्चर करेंगी। बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं, ब्लंट लड़की, प्रैक्टिकल लड़की वहाँ पे सेटल हो जाती है, क्योंकि उसके सपने हैं किसी भी तरीके बाहर ही सेटल होने के होते हैं। तो ये बात मैं यहाँ पे छोड़ती हूँ कि क्या माँ बाप को ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि उसके बच्चे की खुशी किस में है, कि उसके बच्चे की कामयाबी किस में है? ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, एंड अगर लड़की डॉक्टर है तो लड़के को भी डॉक्टर होना चाहिए, लड़का सॉफ्टवेयर है तो लड़की भी सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए, ताकि उनकी प्रोफेशनल मैचिंग हो, उनकी मेंटल मैचिंग हो। लड़की और लड़की में इतनी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि वो दोनों पूरी ज़िंदगी, अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाता है, कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में अचानक आके रहने लगता है हमारे साथ, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, और रिश्तों में भी यही हो रहा है, उन्हें अपनापन नहीं लगता। जो रिश्ते माँ बाप सिलेक्ट कर रहे हैं, 15-20 दिनों में शादियाँ हो रही हैं, उनमें बच्चों की खुशियाँ नहीं हैं, ये चीज़ माँ बाप को कब समझ आएगी? इस चीज़ का क्या सोल्यूशन होता है और क्या होना चाहिए, क्योंकि सफरिंग ना हो, सफरिंग को कैसे रोकें? क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, और वो भी उस टाइम में अगर परेशानी ज़िंदगी में आ जाती है आपकी रिलेशनशिप के हिसाब से, तो सेटलमेंट बहुत मुश्किल होती है। तो तब क्या करना चाहिए? आप नीचे कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बता दें कि क्या करना चाहिए। ज़रूरी है ये सब कुछ। आप देखते रहें जीत कौर टीवी यूट्यूब एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी कमेंट, आपके सुझावों का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।